जो लोग झूठी गवाही देते हैं, जो पैसे के बल से दूसरों को, जो निर्दोष हैं, उनको दंड दिलाते हैं, दोषियों को मुक्त कर देते हैं, चाहे कोई भी हो, बुरी बातों का उपदेश देकर भोले भाले लोगों को फंसाते हैं, जो शास्त्र और संतों की निंदा करते हैं, उनका जब मृत्यु का समय आता है तो भयानक दुख होता है। और ऐसे लोगों की मृत्यु जब होने को होती है तो यमराज के बहुत ही क्रूर स्वभाव वाले, बहुत ही जहाँ दया नाम की वस्तु नहीं, ऐसे क्रूर स्वभाव वाले हाथों में हथकड़ी लिए हुए और बड़ा भारी मुद्गर, वो बड़े भयंकर, और उनके शरीर से दुर्गंध, देखने से ही मलमूत्र छूट जाए, ऐसे भयंकर, और उसी को दिखाई देते हैं जो मरणासन्न होता है। यमदूतों की दृष्टि पड़ते ही वो शरीराहंकारी जीव कांप पड़ता है। अब वो चीखने की कोशिश करता है पर आवाज नहीं निकलती, बार बार प्रयास करता है कोई मेरी रक्षा कर ले, आंखें पलटने लगती है, सांस ऊपर को उठने लगती है, देखने की शक्ति नष्ट हो गई, भारी वेदना, तड़पता हुआ वो शरीर को छोड़ता है।